यूपी के गाजीपुर में जहां आज लॉकडाउन बढ़ने पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। डीएम एसपी की अगुवाई में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस फोर्स ने शहर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस प्रशासन ने लोगों से लॉकडाउन के पूर्ण पालन की अपील की। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गाजीपुर जनपद ऑरेंज जोन में है, ऐसे में जिले के कोरोना डॉट स्पॉटों पर खास निगरानी रखी जा रही है। लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन पीरियड और बढ़ा दिया गया है। इसके दृष्टिगत हमने कप्तान साहब ने और हमारी पूरी टीम ने जो गाजीपुर शहर का हमारा हॉटस्पॉट एरिया था उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक फ्लैग मार्च निकाला है, जिससे जनता में विश्वास बढ़े और साथ ही साथ जनता को जागरूक करने की कोशिश की है कि जनता लॉकडाउन से जो लाभ जनता को मिला है वो लॉकडाउन सख्ती से पालन करे, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारा जनपद पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाए। उनको हम लोगों ने ये सलाह दी है कि वो लोग बहुत अपरिहार्य हो, कोई घर से बाहर निकलें, हमेशा अपने घरों में ही रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें और जब भी बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े तो मुँह पे अपना मास्क लगा के ही बाहर निकलें। उनको जो सुविधाएं आवश्यक हैं रोज़मर्रा की चीज़ें वो हम उनको सकुशल पहुंचा रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विगत दिनों में लॉकडाउन की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समस्त पुलिस दल ने पूरे धैर्य के साथ गाजीपुर में इसको हम पालन जनता से सुनिश्चित कराया, उसी तरीके से 3 पार्ट में भी जो आगे के 14 दिवस के लिए घोषित हुआ है उसमें भी हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा पुलिस बल संपूर्ण एरिया में जो शासन के निर्देश होंगे उनके नियमों के तहत अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रह करके और जनता की सेवाएं करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराएगा और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ही अच्छी स्थिति रही है, जिसका परिणाम यह रहा है कि हमारे जनपद में लगातार जो टेस्ट हो रहे हैं, जो 5 पॉजिटिव आए थे वो ठीक होकर के क्वारंटाइन हैं, 1 मरीज हमारा अभी केवल हॉस्पिटलाइज है वो भी पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है हर स्थान पर, जो कंटेनमेंट एरिया था उसमें जो ट्रेसिंग की, उसमें लोगों के जो टेस्ट कराए लगातार निगेटिव आ रहे हैं। बाहर से जो कार्मिक आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग पूरी तरीके से जो शासन के निर्देश हैं उसके तहत उनका टेस्ट करा कर उनको क्वारंटाइन करके, होम क्वारंटाइन करके और होम शेल्टर में रख के, शेल्टर होम में रख करके इनका अनुपालन करा रहे हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि गाजीपुर ऑरेंज जोन में है और शीघ्र ही हम ग्रीन जोन में प्रवेश करें। बॉर्डर में हमारे जो 84 बैरियर हैं पूरी तरीके से, जो अंतरजनपदीय हैं और 6 अंतर्राज्यीय बैरियर हैं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। जो लोग आते हैं उनको नियमानुसार उनको क्वारंटाइन किया जाता है और आगे की कार्रवाई की जाती है और पूरी तरीके से हमने सील कर रखा है सीमाओं को। केवल जो शासन के निर्देशों के तहत जो अनुमन्य वाहन हैं, जो अनुमन्य व्यक्ति हैं, वही प्रवेश कर पा रहे हैं और कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा है। खबरों को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।